हेलो फ्रेंड्स मैं नीतीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो हम बात करने वाले आज जिस शेयर से रेटिव उसका नाम है कपेट के पी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं तो अगर मैं ऐसे बात बताऊं तो आठ सौ रुपये पे ये शेयर गया था ओके आठ सौ रुपए से अभी ये शेयर पांच पे चल रहा है और ब्रोकरेज हाउसेज ने इसका टारगेट थाउजेंड प्लस दे रखा है ओके okay, जब ये मार्केट गिरी नहीं थी उससे पहले थाउजेंड प्लस के टारगेट थे सबसे पहले तो अगर ब्रोकरेज हिसाब से भी देखे तो लगभग थाउजेंड रुपीज मतलब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये शेयर मैंने ओके okay, ये 800 पे चल रहा है एक सौ से ये वीडियो बनाना शुरू करा है और अगर आप आठ सौ तक देखेंगे तो लगभग लगभग आपके पैसे यहाँ पर तीन गुना होते हुए नजर आते हैं तो तीन गुना या उससे ज्यादा ही होते हुए नजर आते हैं अब मार्केट में आज क्या हुआ यहाँ पर 1.88% की यहाँ पर गिरावट हुई ओके okay, कल इसके आए थे रिजल्ट ओके okay, रिजल्ट कैसे आए वो सब चीज हम यहाँ पर बात करेंगे और इसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे हम डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं बट स्टिल हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे देखेंगे जान, जानकारी लेंगे कपिट से रिलेटेड बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़ने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट हिटॉल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले सबसे पहले आपको मिले नितेश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इधर भी यहाँ पर वीडियो आती है जाके देखेंगे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हम यहाँ पर कितनी सारी वीडियोज डाल रहे हैं अच्छा अच्छे आपके व्यूज आ रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर दैट बट स्टिल आप यहाँ पर हमें फॉलो करिए ओके यहाँ पर हमारे चैनल यहाँ पर इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करे आ, और ट्विटर पे ट्विटर पे आप हमें फॉलो करिए ट्विटर पे फॉलो करेंगे तो यहाँ पर काफी सारी अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी सीखने को मिलेगी ओके okay, यहाँ पर भी हम डेली चार्ट वगैरह सब चीज यहाँ पर डाल रहे हैं वीडियोस भी डाल रहे हैं किसी पे अगर वीडियो मिस हो जाए तो यहाँ पर देख ले इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे भी हमने यहाँ पर जो वीडियोस यहाँ डाल रहे हैं यहाँ पर रील्स में हमने डालना शुरू कर दिया है okay, ओके यहाँ पर जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे वीडियोज को तो जाके फॉलो करिए जितना फॉलो करेंगे उतनी कंटेंट अच्छा आएगा और आपके कमेंट देखे जाएंगे कमेंट के हिसाब से आपको जवाब भी दिया जाएगा एज वेल एज यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को भी हम यहाँ पर मैनेज करते हैं तो आप जाके हमें एक बार कम, पिंग भी कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नंबर दे है तो कपिट की बात करें तो कपिट एक बेहतरीन शेयर नजर आता है नो no डाउट यहाँ पर बात करें यहाँ पर इसका जो मैं कंपैरिजन करता हूँ इसका कंपैरिजन मैं सीधे करता हूँ e e okay, दिखाई दे, दे रहा है यहाँ पर देखिए अभी जो रिजल्ट आए हैं यहाँ पर नेट प्रोफिट ग्रोथी वन परसेंट इन ईयर बेसिस पे होती हुई नजर आई है तो कंपनी यहाँ पर छोटी नहीं है कंपनी काफी यहाँ पर बड़ी है ओके okay, यहां पर बात करेंगे एक्वायर्ड क्लाउड बेस्ड व्हीकल्स डायग्नोस्टिक्स पे स्पेशली सोमित सॉल्यूशन को यहाँ पर केपीआईटी ने यहां पर Uh, क्या किया है एक्वायर किया है और कौन सी बेस है यहाँ पर देखिए क्लाउड तो में व्हीकल्स तो जितना भी पर पर व्हीकल्स व्हीकल्स जो ड्राइवरलेस की की बात हो रही है, कार की बात हो हो रही रही है है कार कि बिना ड्राइवर के यहाँ पर चलती जाए तो इस टेक्नोलॉजी पे एज वेल एज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ईवी की टेक्नोलॉजी पे सब पे कौन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है कपेट और जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है यहाँ देखिए हाउ टू बूस्ट योर करियर इन द ऑटोमोटिव डोमेन तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है शेयर मतलब माइंड ब्लोइंग शेयर है कोई बात ही नहीं है इसमें यहाँ पर देखिए रेडार लाइडर जीपीएस कैमरास कंप्यूटर व्हील व्हील एंकोडर ये सब चीजों में ये कंपनी काम करती है इधर देती है पूरा का पूरा जितना भी है ये आ, आपका पूरा का पूरा, पूरा कार से रिलेटेड ओके ऑटोमोटिव से रिलेटेड ये कंपनी इस तरीके से काम कर रही है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी की यहाँ पर बहुत ज्यादा मांग होने वाली है तो इसकी तरफ आपको क्या करना है इसकी तरफ यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स आ रही है कन्वेंशनल पावर स्टेड उसमें काम कर रही है ऑटो ऑटोमस ड्राइविंग एंड एडीएस पे कंपनी काम कर रही है यहाँ पर ड्राइवरलेस कनेक्टेड व्हीकल्स में कंपनी काम कर रही है ओके okay, यहाँ पर अगर बात करें वहीकल्स डायग्नोस्टिक्स में ऑटो स्टार्स में व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन जो यहाँ पर होता है उसमें कंपनी काम कर रही है यहाँ पर जाके देखिए इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ आपको पता चलेगी बड़े बड़े क्लाइंट है ओके okay, बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड और अच्छा खासा यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फाइनेंशियल की मार्केट कैप चौदह हजार रुपए की है ओके okay, तो अगर बात करें स्मॉल कैप कंपनी है कब जाके यहाँ पर ये मिड कैप और लार्ज uh, कैप होती हुई नजर आएगी कब इसमें यहाँ पर पीछे जीरो लगते हुए नजर आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगी पी की बात करें फोर्टी सेवन इंडस्ट्री का थर्टी है स्टिल थोड़ा सा महंगा नजर आता है बट अच्छे शेयर महंगे दिखाई देंगे अगर आप सोचेंगे बीस के पी पे मिलेगा नहीं मिलने वाला जब तक यहां पर अर्निंग बेकार हो और अर्निंग यहां पर सॉलिड है

नंबर भी यहां पर देख सकते हैं इकतीस परसेंट का यहां पर मार्जिन है ओके okay, कल अब मैं देख रहा था शायद यहां पर में प्रॉब्लम होगी तो यहां पर देखिए स्टैंड नंबर थर्टी वन परसेंट का यहाँ पर मार्जिन uh, है और मैं हमेशा बता रहा हूँ जिस भी कंपनी के मार्जिन अच्छे आ रहे हैं क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे ऐसी कंपनी भाग रही है ओके okay, आज गिरावट तो हुई है उसके पीछे का रीजन हम बताएंगे जब यहाँ पर चार्ट पे चलेंगे हम बात करेंगे बट कंपनी का नेट प्रॉफिट 85 करोड़ रुपीज का तो कंपनी मल्टी अच्छा खासा काम करती हुई दिखाई दे रही है एक्सपेंसेस uh, यहाँ या, पर लगातार देखिए 2019 हजार उन्नीस तो से कंपनी की सेल्स देखिए क्या ग्रोथ है मतलब फोर टाइम्स फाइव टाइम्स होता हुआ नजर आ रहा है सेल्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितना फाइव टाइम्स यहाँ पर नेट सिक्स टाइम्स पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है तो ये देखिए रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व थाउजेंड करोड़ के रिजर्व बॉरिंग थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है ओके वर्किंग प्रोग्रेस में कोई पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट वन कैश की बात करें 893 करोड़ रुपीज का कैश पड़ा हुआ है ओके यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की की है as it is बनी हुई है, कह रहे है, नहीं बेचना FIS की बात बात करें करें पर पिछले अगर दो और तीन क्वार्टर की तो लगातार हिस्सेदारी बेची है लगभग चार से पांच परसेंट की डीआईएस की बात करें डीआईएस ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची है बट ये कब आ जाएंगे कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगी स्टिल यहाँ पर बात करें सिक्सटीन और इलेवन की होल्डिंग है तो ये कम नहीं है बहुत ज्यादा है इसके अलावा मैं पर बात करें पब्लिक की पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है ओके इकतीस परसेंट में वन पॉइंट एट वन की होल्डिंग है क्या मेरे पास शेयर है बिल्कुल मेरे पास शेयर है ओके यहाँ पर हमने पहले अगर हम बात करें केपीआईटी ऊपर गया था तो हमने यहाँ पर बेचा था दोबारा मैंने यहाँ पर इसी लेवल पे यहाँ पर एंट्री करी थी इस लेवल पे एंट्री करी थी एक्जेक्टली फाइव सिक्सटी के आसपास की ओके अभी यहाँ पर नीचे चल रहा है शेयर कोई इशू वाली बात नहीं है अच्छे शेयर है आ नीचे ऊपर चलते रहते हैं कोई इशू वाली यहाँ पर नजर नहीं आता किसी भी तरीके का अब बात करते हैं यहाँ पर इसके चार्ट की तो चार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आता है एक और दूसरा रेजिस्टेंस ये ओके इस रेजिस्टेंस को तो इसने पार कर लिया था मेन रेजिस्टेंस ये है जो इसका आज का भी हाई लगा लीजिए फाइव का इसे निकाला ओके okay, इसे निकाला तो एक अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे फाइव पहले और उसके बाद यहाँ पर 600 तक लेके जाएगी और 600 को भी क्रॉस कर दिया तो बिलीव मी यहाँ पर 635 और 635 को भी क्रॉस कर दिया तो 800 के लेवल यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर ये यह जो चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है ना ओके okay, राउंडिंग बॉटम टाइप में तो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलने ही है फिर इसमें कोई किसी तरीके की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ पर ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न ना दे तो चीजें समझनी पड़ती है चीजों को समझेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर देखिए अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है कब दिखा रहा है सत्ताईस अक्टूबर ओके यहाँ पर तो इस अक्टूबर के तक यहाँ पर यह शेयर पहुंच जाना चाहिए ओके उससे पहले भी पहुंच जाए तो कोई यहाँ पर गनीमत नहीं होगी एज वेल एज बात करें यहाँ पर यहाँ पर कैंडल की क्या कैंडल बन रही है यहाँ पर देखिए जो आज की कैंडल बनी है स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप का मैं हमेशा बताता हूँ रेजिस्टेंस पे बनती हुई नजर आ रही है ओके अगर इसका ये जो लो आज का लो था पांच सौ रुपए का पांच को तोड़ा तो गिरावट होती हुई नजर आएगी जो इसे चार सौ चौरासी ओके और नीचे चार सौ पैंतालीस तक लगभग कितने पचास से साठ रुपए की यहाँ पर रिस्क नजर आती है बट ऊपर जो हम देखते हैं इसका हाई निकाला तो हाई निकाला तो तेजी होती हुई नजर आएगी जो कि यहाँ पर मुझे तो मैं इसके यहाँ पर देखिए आठ सौ रुपए तक मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है अब ये गिरा क्यों है आज ओके okay, आज अच्छे खासे रिजल्ट आने के बावजूद यह शेयर गिरता हुआ नजर आया तो इसके पीछे का रीजन है कि मैंने कल भी आपको जो हमने यहाँ पर वीडियोस में बात करी थी यहाँ पर आप वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पर मैंने निफ्टी का आउटलुक बताया था उसमें सब चीज यहाँ पर बताई थी कि किस तरीके से यहाँ पर क्या चीज काम करती हुई नजर आती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें निफ्टी आई की तो निफ्टी आई एक क्रूशियल लेवल पे था क्रूशियल लेवल का इन द सेंस मतलब क्या है कि यहाँ पर जो निफ्टी आई थी एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ओके रेजिस्टेंस पे यहाँ पर बस इसे जाना है और यहाँ पर जो निफ्टी आई टी है कंसोलिडेशन कर रहा है सिंपल जिस दिन ये यहाँ से निकल गया तो याद रखिए तेजी होगी और जिस तरीके से ये भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है ना तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर मुझे आईटी में नजर आती है बट बात कर रहे हैं के पी की तो यहाँ पर ये निफ्टी आई टी चले या ना चले ओके okay, चलेगा फिर भी यहाँ पर हम बात करें केपीआईटी केपीआईटी डेफिनेटली चलेगा क्यों क्योंकि एक तो जो वॉल्यूम यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये वॉल्यूम काफी यहाँ पर बता रहे हैं कि शेयर को ऊपर चलना है अब गिरावट थोड़ी सी है गिर जाता है बायोन डिप्स की रणनीति अपनाई है रिजल्ट आपने देख ली है स्टैंडर्ड ऑन कंसोलिडेट सारे मैटर पे यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो सब कुछ अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है अगर गिरता है बायोडिप्स कर लीजिएगा अदरवाइज मुझे यहां पर से थोड़ी सी गिरावट अगर होती है तो हो जाए यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में पांच पर, मुझे गिरावट नहीं देती। यहाँ पर का, दस रुपए का अच्छा खासा मुझे नजर आता है। यहाँ पर करके यहाँ पर चली ऐसी डेल्टा को बताया था अनुपम रसायन बताया था आज आप देख सकते हैं वो ऊपर जा रही है तो ये सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी यहाँ पर मायने रखती है एक आध दिन के नीचे होने से किसी शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता तो यही है रिजल्ट अच्छे है एवरीथिंग इज लुकिंग गुड ओके शेयर को केवल ऊपर जाना है उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा क्यों क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न दिए ये देखिए ना चालीस रुपए से ये यह शेयर यहाँ पर आठ सौ रुपए पे गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा तो रेस्ट करेगा ना एक घोड़ा है लगातार निभागता थोड़ा सा वेट करता है तो वीडियो में यहाँ पर ही एंड करते हुए बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है जितना हो सके प्यार देना है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस